दस बाई पहलवानों ने लेकर 16 में मेडल आया और 17 में शादी हुई और अपने ससुरे का नाम दे दिया। अरे ये पीछे का काम है, तो ये अम्मा मार दें इसने, दाब अम्मा मार देंगे इसने, अम्मा दाब देंगे मार के इसने, वो सबूत दे दे और हमने सबूत मांग लिए तेन को आते को बान बेटी नहीं। ये शोषण शोषण करे थे ना, असली पहलवाना का शोषण तो ईब होया है। ये जितने बैठे थे ना, ये जितने बैठे थे, ये सब ड्रामेबाज बैठे थे। विनेश की तैयार बता दी, सरकार से लड़के बैठके उस दया को द्रोणाचार्य अवार्ड दिला दिया, जिसने एक दिन कुश्ती करी नहीं, कुश्ती सकाई नहीं किसी को, भाई पहलवानों ने लेकर। और सारे भाई एक बार जुड़ जाओ, दीपक जवाब बागी भाई, तो मुद्दा है भाई जो 6 पहलवाना ने परमिशन मिल ली है, मुद्दा उस पे है। 6 पहलवाना ने अपनी परमिशन के लिए लिखा है, उनको परमिशन भी मिल गई है। उनमें है अपना बजरंग भाई, उसकी पत्नी साक्षी, साक्षी का पति, और जितेंद्र भाई है, विनेश है। इनको परमिशन लेटर मिल गया कि जो हमारे पहलवान हैं उनके साथ ये डायरेक्ट जो फाइनल में पहुंच जाएंगे जब ये फाइट करेंगे। वे 5-6 कुश्ती लड़कन है उड़े थी पहुंचेंगे और ये डायरेक्ट उनके साथ फाइट करके ना, और जीतो हारो वो अलग विषय है। तो भाई मैं इन कहना चाहूँ, इन परमिशन क्या था मिली भाई धरने में, तो भाई रवि दैया भी था, सरिता मोर भी थी, अंशुल मलिक भी थी, सोनल मलिक भी थी, दीपक पुनिया भी था, इनने क्यों परमिशन नहीं दवाई भाई? आप परमिशन क्यों ले ली फिर? इन्हें भी परमिशन दवाओ है, जब ये बिथरी गला धरने बैठे थे तो देवानी चाहिए थी परमिशन, तीबिये क्यों छोड़ दिए भाई? ये शोषण शोषण करे थे ना, असली पहलवाना का शोषण तो ईब होया है, असली पहलवाना का शोषण तो अभी होया है। जो ये शोषण करे थे वो शोषण को ना था, यो शोषण तो यो ईब हो गया। जो गरीब माँ बाप अपने बालकन है आड़े ती पहुंचा हुए हैं और डायरेक्ट इनके साथ कुश्ती हो, ये तो कोई तात्पर्य नहीं ना भाई, और कुश्ती भी नहीं होली है, बे लड़ते क्यों नहीं भाई ये? और मैं तो उन तई पूछना चाहूं जो खारा संचालक एक कमेटी बनाई थी पूरे हरियाणा में, जिसका अपना माननीय अपना जिसका अच्छा योगदान है कुश्ती में, रणवीर ढाका जी, हम भी इज्जत करते हैं उनकी, और एक वो मिर्चपुर का सेक्रेटरी बनाया था, कहां है भाई वे, कहां गए वे? अब पहलवाना की बात नहीं है के, अब ये पहलवान है हिंदुस्तान में, वे भी तो पहलवान होंगे, किसी के बच्चे होंगे, वे भी तो हरियाणा की बेटी बेटे होंगे, वे तो 6-7 कुश्ती लड़कर न जाएंगे और ये उनकी गेला फाइट करेंगे और फाइट करके न जीतो हारो वो अलग विषय है। असली शोषण अब होया है कुश्ती का, इसका मतलब क्या समझा भाई? एक और मैं आपने बता देता हूं, मैं आपको पता नहीं होगा कि इन अगस्त के बाद ये जो धरनाधारी बैठे ना, अगस्त के बाद कोई कंपटीशन नहीं लड़ा ही ना, कोई भी कंपटीशन अगस्त के बाद, और उन बच्चों ने एक भी कंपटीशन नहीं छोड़ा, और ये भी नहीं सोचा ये कि हम एक भी कुश्तियां लड़ा और सीधे। और जो या जो ट्रायल है ना, या ट्रायल को मामूली ट्रायल नहीं है, या एशियन गेम की ट्रायल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, या इसमें अगर किसी का मेडल आ गया ना तो सीधा ओलंपिक में क्वालिफाई होएगा। और जो बालक हैं, जो जो सपना देख रहे हैं 8-10-10-20 साल तक कि हम ओलंपिक में जाएंगे, वे तो लड़कन ओलंपिक की तैयारी में पहुंचेंगे और ये सीधे उनकी गेला लड़ेंगे, यो है असली शोषण, ये होता है शोषण। ये धरने जीत गए हुए जो बाण बेटियां गिनू कहते हमारी बाण बेटियां का, हमारी बाण बेटी है ये, अरे वे भी तो किसी की बाण बेटी होंगी, उनके लिए क्यों आवाज उठा रही भाई? और मैं तो उन अभिभावकों ने भी कहना चाह रहा हूं जो जो इनके वजन में है, ये ऐतराज क्यों नहीं करते? इन्हें ऐतराज करना चाहिए। अंशुल मलिक के पापा है,
धर्मवीर मलिक बहुत अच्छे पहलवान है, उन्हें भी आना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए भैया गलत हो रहा है। अब वो रणवीर ढाका कोच साहब और वो मिर्चपुरिया कित गए, जब नहीं थे हम हरियाणा में पहलवान के साथ जाती नहीं होने देंगे, क्या ये पहलवान नहीं है क्या, क्या ये पहलवान है? और मैं अपने खापन चाहता कि चौधरियां थे और किसान आंदोलन में जो नेता थे उनसे पूछना चाहू हूं कि ये देश की बेटी थी, जब तक बंगला पश्चिम बंगाल की भी सीएम और फलाने की भी सीएम और बिहार ते भी और उत्तराखंड ते भी सब कम इकट्ठे हो गए थे। अब आ जाओ ना भाई, अब बोलो ना एक बार, 90% पहलवान जो है हरियाणा के हैं, और जो ये कुश्ती लड़के जाएंगे ना 8-10 कुश्ती 5-7 कुश्ती लड़के जाएंगे, जब इनकी गला होंगे क्या वे हरियाणा के ये जाति नहीं होगी? सबसे बड़ा शोषण अब हुआ है। और बता देता हूं मैं आप लोगों को छोटी बात, जो ये धरने में बैठे थे ना इनका मकसद ही ये था, ये मकसद था कि इन अगस्त से कोई कंपटीशन नहीं लड़ा है और अब ये डायरेक्ट आओ और ये डायरेक्ट आओ और नाम पाओ, इसका मतलब ये हो गया। और सरकार भी क्यों मान रही, इनकी मांग रही है। आप लोगों ने एक और बात बता देता हूं मैं छोटी सी, इनने सरकार पर इतना प्रेशर बना दिया, ध्यान तो सुनियो ये बात, इनने सरकार पर इतना प्रेशर बना दिया कि इन्होंने एक ज्ञान सिंह कोच है, अशोक गर्ग है, जो के ट्रायल लेंगे, जो जो ट्रायल होनी है उनमें दो नाम है और दोनों इनकी मर्जी के, देखो दोनों इनकी मर्जी के। और मैं बच्चों को और हिंदुस्तान की जनता को बता दूं कि जो इनकी जब कुश्ती आओगी ना, जब वो एक बच्चे के साथ ये लड़ेंगे तो इनकी मन मर्जी का कोच आओगा, इनकी मन मर्जी का कोच आओगा उस पे मैट पे। आप लोगों को पता नहीं इनने पहले ही नाम दे दिए हैं दो आदमियों के, देखो झटका। इव जो बच्चे प्रैक्टिस करके जाएंगे ना वे डायरेक्ट, जब इनकी कुश्ती होगी इनकी मन मर्जी का कोच आओगा और फिर ये हारा जीती कम करो कोई बुझनिया नहीं। अरे भाई क्यों खेल का नाश कर रहे हो तुम? अरे ये बात और बता दूं मैं आप लोगों ने, इनका मकसद था ये पूरा हो गया। अब कहां गई वह छेड़छाड़, कित गई वे, कहां गई वो नाबालिग बच्ची? उन्हें खुद अपने बयान में कहा कि मेरे को झूठ साच बोलकर नहीं ये काम करवाए हैं, कहां गए भाई? ये वो छेड़छाड़ का मामला सब खत्म हो गया। एक और बता देता हूं आप लोगों को, आपको पता नहीं होगा, जो हमारी बहन है ना विनेश, वह अपना अनिल मान है जो कि ध्यानचंद अवार्डी है और कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट है, सुनियो कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट है रेलवे में, उसने हटा के ना और विनेश उसकी जगह बैठ गई, अपनी मनचाही पोस्टिंग ली है रेलवे से कवा के, सरकार से कवा के ना। ये मैं नहीं कह रहा झूठी साची, ये मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। एक एशिया मेडलिस्ट को हटा के, अनिल मान को हटा के ना एक अच्छी जगह बैठना, अपनी मनपसंद पोस्टिंग लेना, ये काम है। और एक और बता दूं मैं विनेश की, विनेश का जो पति है ना उसका मामा है पहलवान ओम प्रकाश दिया, इसने उसको कौन सा देवार हो द्रोणाचार्य अवार्ड, सरकार से लड़के भिड़के उस दिया को द्रोणाचार्य अवार्ड दिला दिया, जिसने एक दिन कुश्ती करी नहीं, कुश्ती सिखाई नहीं किसी को, एक दिन भी मात्र, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिलवा दिया इसने, देखो झटका। अरे ये किसी किसी कहां लेकर जान लाग रहे हो आप लोग, ये कुश्ती के लिए ठीक नहीं हो रहा है। ये किसके लिए बैठे थे भाई, ये धनियों का ध्यान तक कुश्ती के लिए धरना बैठे हैं जंतर मंत्र पर? इन कही ना कि भाई हम तो जंतर मंत्र पर आने वाले बच्चों के लिए बैठे हैं, अरे बैठ गए ना बच्चा पे, बैठ गए बच्चा तो उन बच्चा का हक खाएंगे भी, उन जूनियर बच्चा का हक खाएंगे, जो लड़का होंगे ना 5-5, 7-7 कुश्ती उनकी गेला ये लड़ाई लड़ेंगे। अरे ये नहीं कहते हम तो बच्चा की लड़ाई, बच्चा के फ्यूचर की लड़ाई लड़ा, यो था इनका फ्यूचर, देख लो किसा फ्यूचर था इनका। हमारी खापन चाहता ने, हमारे किसान नेता ने ये बरगला के ना उड़े ले गए हैं
ये सब के मन टुकड़े टुकड़े गैंग सब के मन इकट्ठा हो गया, उन बेरा नहीं था गया इन बातों का। अपनी मनचाही पोस्टिंग ली है, अपने मनचाहे कोच लगवाए हैं, अपने मनचाहे फिजियो लगवाए हैं, अपने मनचाहे देश में प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हैं, फिर ये दूसरे और बैठे थे पहलवान इनके भी करवा देते। अरे भाई इनने अपने स्वार्थ के लिए ये काम करे हैं, ना कि आने वाले भविष्य के जो पहलवान हैं उनके लिए। अगर जा उनके लिए काम करते तो ये उनकी गिला लड़े हैं, कुश्ती कुश्ती लड़कन है और हार जीत जो होना था वो जाता, ये भी उनकी गिला लड़ते। ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वो बालक लड़ाई लड़ते आऊं और फिर ये कौन गिला लड़ लें। मैं भाई पहलवानों को बता देना चाहता हूँ, छोटे बच्चा ने बात गलत है पर सच्चाई बात बताऊंगा मैं आपने। जी लागन मेहनत करो, जी लागन है पर धरने पर बैठने का भी दम रखो, क्योंकि धरने पर बैठकर जब ये डायरेक्ट फाइट कर सके हैं तो तुम भी कर सको हो। तो इसका मतलब रोड पर बैठकर धरने पर बैठकर है और 5-7 कुश्ती छोड़कर है एक कुश्ती लड़ी जाएगी। ये बात ने नोट कर लियो, ध्यान रखियो ये बात ने। इसका मतलब तो दुखी करके ना सरकार ने तो किम कराओ, संविधान खत्म, कुश्ती में जो रूल थे वे खत्म, यो कराया है इन पहलवाना तीन। रही बात है विनेश बैंजनियों का थी ना बार 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 मैं तो पहलवाना ती कर रही हूं, मैं तो पहलवाना ती कर रही हूं। ईव जो जो लड़की हमारी बेटी की हमारी बहन है वे 5 कुश्ती लड़कन है और किसी ने हरा कहूंगी तू एक कुश्ती उसके ना लड़ ले, यो करे पहलवाना ती। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो। रही बात और बता दू मैं आपने, ये जितने बैठे थे ना, ये जितने बैठे थे ये सब ड्रामेबाज बैठे थे। विनेश की तय मैंने बता दी, मनपसंद कोच मिल गया, मनपसंद फिजियो मिल गया, मनपसंद पोस्टिंग आ गई और अपने पति के मामा को द्रोणाचार्य अवार्ड दवा दिया दवा दिया। अब आ जाता हूं मैं अपनी बहन साक्षी पर। साक्षी बहन जी आप 2016 में मेडल लेकर आई थी, 2010 से 2016-17 तक आपका कोच था मनदीप, छोटराम स्टेडियम में प्रैक्टिस कराती मेरी जूनियर है साक्षी भाई। और उससे पहले हमारे बहुत आदरणीय ईश्वर कोच साहब हैं उनसे प्रैक्टिस कराया करती है। 2016 में साक्षी का मेडल आया, 2017 में शादी हुई और नाम दे दिया कोच में सत्यव्रत का, सत्यवान का, सॉरी सत्यवान का। अरे ये जो सिस्टम है क्यों दे दिया, क्योंकि पैसे मिलने थे। कोचा ने जो ओलंपिक में मेडल आओ ना उसके कोचा ने पैसे मिलते हैं। बाढ़ में गया मनदीप, बाढ़ में गया कोचा भी छोड़ दिया। 16 में मेडल आया और 17 में शादी हुई और अपने ससुरे का नाम दे दिया। अरे ये पीछे का काम है, ये है, ये अच्छी बात हो रहा है। अच्छा रही बात है, विनेश बहन ने न्यू कही थी कि जो हमारा देश का बेटा ओलंपियन योगेश्वर दत्त उसके बारे में क्या कही विनेश ने कि जहरीला नाग है, जयचंद है, वो देश का बेटा है, तो उसकी पासिंग भी कौन है, इतनी सी भी पासिंग कौन है उसके जितने उसके मेडल हैं। उसके बारे में बात बताऊं तनर मैं योगेश्वर दत्त के बारे में बता दूं। 2012 में जब योगेश्वर का ओलंपिक में मेडल आया था, कांस्य पदक आया था, जिस आदमी के साथ उसकी फाइट हुई थी लंदन में दूसरे नंबर पर, वो लड़का गुजर गया और उसका ड्रॉप टेस्ट ले लिया था कि भाई जो पहलवान होते हैं ड्रॉप टेस्ट के लिए निकाल लेते हैं उसका, भाई ब्लड कोई ड्रग्स व्रग्स तो नहीं ले रहा है, तो वो ड्रग्स ले पा गया था पर इससे पहले वो गुजर चुका था। लंदन ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, 2012 की, वो गुजर गया था। गुजरने के बाद उसके ड्रॉप में आ गया कि भाई ये कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है। ओलंपियन योगेश दत्त के पास फोन आया कि भाई आपको ये थर्ड नहीं, आप सेकंड के हकदार हो और आप सेकंड मेडल लेकर जाओ अपना। वो गुजरने के बाद जो सेकंड नंबर पाया था ना वो गुजर गया था, और गुजरने के बाद
उसका जो ओलंपिक में ड्रॉप टेस्ट भरा है उसका आया कि भाई आप योगेश्वर भाई आप आ जाओ और अपना मेडल लेके जाओ सेकंड नंबर का। योगेश्वर दत्त ने किया कि जो अजय चंद बताओ है उसने और जो काला नाग बताओ है जहरीला नाग बताओ है उसने ये कही थी कि वो भी पहलवान था और वो गुजर गया, ये मेडल मैं उस परिवार को समर्पित करूं हूं। है थारे में इतनी ताकत है? ताकत इतनी थारी में? तुम तो अपने कोचा का नाम बदलते हो पैसे के चक्कर में, परिवार ने सम्मिलित कर ले सब क्या है, और वो देश का गौरव है। बता देता हूं आपने, मैं वो जहरीला सांप को ना, वो देश का गौरव है। आप ऐसा काम कर सको हो, ओलंपिक मेडल मिलना सपना होता है पहलवाना का नहीं हर एक खिलाड़ी का। योगेश तीसरे नंबर पर आया था, दोबारा बता दूं मैं, तीसरे नंबर पर आया था, तीसरे नंबर पर, और वो भाई गुजर गया था तो सेकंड नंबर पाया था। योगेश्वर ने यूं कह दी थी कि भाई ये मेडल वो आज दुनिया में नहीं है, ये मेडल मैं उस परिवार को समर्पित करता हूं। कितनी बड़ी बात है ओलंपिक का मेडल। अगर योगेश्वर ने पैसे का लोभ होता ना तो एक तीसरे तो दूसरे में जाती 1 करोड़ रुपया बच गया था, बुंडियां लागे थे, त्याग दिए उसने। और तम पे अपने कोचा ने छोड़कर अपने रिश्तेदारा का नाम देने लग रहे हो पैसे के चक्कर में। तुम कभी भी कुश्ती का फायदे करने के लिए आप धरने पर नहीं बैठे हो, आप बैठे हो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो, अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो और अपना स्वार्थ तुमने सिद्ध कर लिया। आपने क्या कुछ नहीं कराया बताओ? अपने परिवार के कोच आपने दे दिए पैसे के चक्कर में। योगेश दत्त ना आप खराब बताओ हो, जो देश का बेटा है। इन सब के मुंह समझे होंगे योगेश्वर के बारे में, कि मैं कहीं तक कोई ना बोला है कि वो देश का बेटा है को ना। अरे जो मेरे भाई पंचायती धरने पर बैठे थे, जो यूट्यूब पे 1 मिनट की खबर दिया करते, पहलवाना के गेला न्यू हो गया, पहलवाना गेला न्यू हो गया, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उसमें कहे थे रमेश भाई के तेरा बान बेटी को ना, एक का बात जाने देखो सही बात कह देता, थारा घर में बान बेटी को ना, हमारा बान बेटी भी है और हमारा काका ताऊ बाबू बेटा भाई सब कमा है। कल नून पहल जाम लाग जा जो ये बूझ जा करते फेसबुक ये के बाद थारा बान बेटी को न्या, मैं उन तबू जू हूं, थारा भी तो काका ताऊ होंगे, थारे बाबू पे काका पे भाई पे इल्जाम ला दे को आगन है कि हमारी गला छेड़खानी कर दी, तुम यूं कहोगे कि इन तबू जू तो धरने बैठे थे, इन तबू जू मैं, इनके परिवार में इन तक कोई इल्जाम ला दे, इन पर कोई सवाल कोई नहीं पूछेगा कि बेटे हम मार दें इसने दाब, हम मार देंगे इसने, हम दाब देंगे मार के इसने, कोई सबूत तो दे दे, और हमने सबूत मांग लिए तेन को आते को बान बेटी नहीं। ये दोगली नीति मत करो। और इब्बी भी मैं सभी विभाग को जितने भी खिलाड़ी हैं जूनियर खिलाड़ी हैं उनके माँ बाप उनके भाई बहन जितने भी आदमी जो ओलंपिक में मेडल लेने की तमन्ना रखे हैं उन तक कहूं इस बात का पुरजोर विरोध करो भाई, ये नहीं होना चाहिए। कुश्ती के मायने बदल दिए कुश्ती के यार, कुश्ती के रूल बदल दिए। आप लोग अगर अब भी स्टेप नहीं उठाओगे ना, इब स्टेप नहीं उठाओगे तो आने वाली लीक पड़ गई है, कोई बालक मेहनत नहीं करेगा, धरना बैठने लग जाएंगे। और सरकार ने किस दबाव में, सरकार हमने नहीं बेरा, इनकी हर मांग मांगते आने लग रहे। कुश्ती संघ अध्यक्ष ने कह रहा था जो इधर कड़ा था, उसने एक बात तक कही थी कि भाई ट्रायल सबकी होंगी, तुम्हारी भी साथ में होंगी, तुम्हारी भी ट्रायल उन बच्चों के साथ होगी, तारे में ताकत है तुम जीत लियो। ब्रजभूषण शरण में नहीं आए तक कही थी, इसके बाद ड्रामा चालू हो गया। लड़ाई कुश्ती के भविष्य की नहीं थी, लड़ाई इनके भविष्य की थी, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ना यो डायरेक्ट और डायरेक्ट ओलंपिक की टिकट है। ब्रजभूषण शरण ने यह कह रहा था कि भाई इनने कुश्ती सब बच्चों के साथ लड़ो और जब जागर ने थारा नंबर पड़ गया ठीक है ना, तो जो जीतेगा वो जागा। पर इंडिया चाल कामयाब हो रही है, पर इसका इस चाल ने कामयाब मत होने दो, ये अंधकार की तरफ ले जाए कुश्ती, अंधकार की तरफ। और दोबारा फिर बता दूं बालको मेहनत कर लियो पहलवानों, जब भी कुश्ती इनकी मांग तो मान ली, ये पहली कुश्ती होगी, पर ये कुश्ती जब होगी ना त
और हंगा लाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मनपसंद कोच लगवाओगे, ये अपनी मनपसंद कोच ला देंगे इनके, जो चाहोगे वो लागेगा, क्योंकि ये बैठा दिया ना दो पहले ही। ये सारी शासत है, इन अपने काम सिद्ध करने थे, वे काम ने बता दिया कि काम सिद्ध करने थे इन, ये कर दिए। और मैं यह बात कहूं हूं दोबारा फिर कि कुश्ती ने बचाओ, और चलो वो मामला है जो कोर्ट में है, जो ठीक गलत कर रहे हैं वो कोर्ट देखेगा। मेरे एक और समझ में ना आती, जब तक ये नुक थे FIR दर्ज होगी थी, जब तक ये नुक थे भाई कोर्ट पर हमने भरोसा ही नहीं। देखियो एक बात झटका, जब तक ये नुक थे हमने कोर्ट पर भरोसा को ना, हम जहां तक रोड पर बैठे हैं अरे इनकी सारी मांग मान ली, इनको है ना हमने तो कोर्ट पर भरोसा है, हमने न्यायालय पर बहुत बड़ा भरोसा है। देखा झटका, ये न्यायालय पर भरोसा हो गया, इनकी सारी मांग मांग ली ना, पोस्टिंग आ गई, फलाना आ गया, ढकड़ा आ गया, इनके रिश्तेदार ने द्रोणाचार्य मिलन लागे, इनके कोच मन पसंद आ गए, ये भरोसा हो गया, ये सब का भरोसा हो गया। तो भाई ये कुश्ती ने बचा लो, पहले ही बहुत अहित हो गया ही कुश्ती का, इनका बहुत फायदा हो गया है, ये कुश्ती ने बचा लो। सभी विभागों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं हूं मैं, सभी पहलवानों से करूं हूं कि पुरजोर आवाज उठाओ, ये लीक पटगी ना ये फिर ठीक नहीं रहेगा। तो सभी भाई इसने सब तक पहुंचाओ, और उन पहलवान तक पहुंचा दो जिन अपना स्वार्थ साध लिया, ठीक है ना। और इबी भी ये सारी बात समझ में आ गई होंगी जो रगड़ा था असली। तो भाई फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।